subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जो क्लास टेंथ की जो केमिस्ट्री है, जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो चैप्टर है, उसके बारे में आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। आपने IUPAC नेम इसमें टॉपिक में सीखने हैं, आपको IUPAC नेम हम इसमें सीखने हैं। IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या है IUPAC नेम। इसमें फुल फॉर्म लिख देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल NETONL, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC फुल फॉर्म है। इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से आप मुझे सुनिए और हर एक टॉपिक को आप अच्छे से अगर सुनेंगे आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से, दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन टू टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड से, जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला मैं बताया, सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। क्लियर? CnH2n+2 होता है, ध्यान सुनिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो जिनमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ये एल्केन भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एल्केन्स कहला बच्चों, एल्केन्स कहलाते हैं। और इसका सफिक्स और प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होते हैं जी। अब देखो, जो हाइड्रोकार्बन है इसका सफिक्स होता है एन, क्या होता है? सफिक्स एन। अब सफिक्स और प्रीफिक्स तो आप जानते होंगे, मैंने ऊपर लिखा है IUPAC नेम। IUPAC नेम बनेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स से मिलाकर। सफिक्स के फॉर्म में ये हाइड्रोकार्बन यूज होंगे, जिसमें सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम एल्केन्स बोलते हैं, जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और सफिक्स इसमें एन होता है। हमने ये डैश लगा दिया है, ये डैश क्या है? ये डैश का मतलब इससे पहले प्रीफिक्स आएगा, क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। ये सफिक्स है और प्रीफिक्स आएगा, तो दोनों को मिलाकर फिर IUPAC नेम बनेंगे।
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप के होते हैं बच्चों, जिसमें एक एल्कीन कहलाता है, एल्कीन, और दूसरा एल्काइंस कहलाता है। क्लियर? पहला अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स, सेकंड एल्काइंस। एल्कीन्स डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्लियर? इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जबकि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है, किसका? अनसैचुरेटेड का। इसमें सफिक्स एन था, इसमें सफिक्स इन होगा, क्या होगा? इन, ठीक। और इसमें सफिक्स आइन होगा, बाई एन ई। क्लियर? इसमें सफिक्स इन और उसमें सफिक्स आइन, बाई एन ई। तो सबसे पहले हमने सफिक्स की तैयारी कर ली। सफिक्स में हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से, आपको बस ध्यान से समझना है, पहचानना है कि कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड। मैं उसको अभी आपको जब बताऊंगा तो अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2+2 होता है, और जिसमें सफिक्स एन होता है, और इसको एल्केन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन डबल बॉन्ड्स, जिसमें कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जिसका सफिक्स ईन होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। अब एल्काइन्स, जिसमें कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसका सफिक्स आइन होता है, बाई एन ई, और जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ये क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। अब आपको बिना देखे बताना है कि कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। मैंने आपको कुछ कंपाउंड दिए, C2H4, CS4, C5H10, C6H12, C3H8, C3H4। आपको इन सब में बताना है कौन आपका इसमें एल्केन है, कौन इसमें एल्कीन है, कौन इसमें एल्काइन है। देखिए, सबसे गोल्डन रूल, क्या गोल्डन रूल है अगर यहां पर समझिए ध्यान से, एक बार फिर से देख लीजिए। यहां कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल है, कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल है। कैसे? यहां कार्बन एटम कितने हैं? एन, और यहां हाइड्रोजन एटम कितने हैं? टू एन, डबल हो गया जस्ट डबल। तो हम एल्कीन कहेंगे, क्या कहेंगे? एल्कीन। जहां कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल हो, दुगने हो, क्या कहलाएंगे? एल्कीन। समझ आ गया? और यहां लिखा है CnH2n+2, यहां कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल से टू मोर है, डबल से टू मोर है। यहां जस्ट डबल थे, यहां डबल से टू मोर है। तो जहां डबल से टू मोर हो, जो ज्यादा हो, वो एल्केन्स होंगे, क्या होंगे? एल्केन्स। और जहां कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम डबल से टू माइनस कम हो, टू लेस हो, डबल हो और उसमें टू माइनस हो, टू लेस हो, तो एल्काइन्स होंगे, क्या होंगे? एल्काइन्स। अब सबसे बड़ी बात, यहां कार्बन एटम जस्ट डबल है, कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल है,
इसका मींस ये एल्कीन है। जहां कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम डबल से टू ज्यादा है सैचुरेटेड यानी एल्केन्स, और जहां कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम डबल हो लेकिन टू लेस हो उसको हम एल्काइन्स कहेंगे। इतना आपको समझना है। अब देखो मैंने ये आपको दिए समझाता हूं। यहां कार्बन एटम कितने हैं? टू। कितना है? टू। टू का डबल कितना होता है? फोर होता है। और टू का डबल फोर हुआ लेकिन यहां पर कितना? टू। तो फोर में से टू माइनस कर दिया, फोर में से टू माइनस किया मतलब टू का डबल किया फोर हुआ, डबल किया फोर हुआ, उसमें से टू माइनस किया तो ये क्या है? एल्काइन। क्या हुआ? एल्काइन। अब ध्यान समझो, सी थ्री कार्बन कितने हैं? थ्री। इसका डबल करिए, थ्री का डबल हुआ सिक्स। कितना हुआ? सिक्स। कार्बन थ्री उसका डबल सिक्स हुआ लेकिन यहां पर कितना है? फोर। तो सिक्स में से टू माइनस करो कितना हो गया? फोर हो गया। तो यहां भी टू माइनस हो रहे हैं तो ये भी क्या है? एल्काइन्स। ये क्या हुआ? एल्काइन्स। जहां कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम डबल से टू कम है, डबल से टू लेस है, एल्काइन्स। अब ध्यान से देखिए C5H10 कार्बन एटम कितने बच्चों? फाइव। हाइड्रोजन एटम कितने? टेन, यानी जस्ट डबल है। हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से जस्ट डबल है, इट मींस जस्ट डबल क्या कहलाता है? एल्कीन। क्या कहलाता है? एल्कीन। तो ये एल्कीन है। ऐसे ही C6H12 यहां कितने हैं? यहां आपके सिक्स का डबल कितना होता है? ट्वेल्व। तो C6H12 यानी ये क्या है? एल्कीन। जस्ट डबल कहां पर है? किसके है? एल्कीन के। तो ये आपको एल्कीन है दोनों। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको एल्काइन समझा दिए, जस्ट डबल से टू लेस, जस्ट डबल से टू लेस। यहां जस्ट डबल थे, यहां भी जस्ट डबल थे, तो ये एल्कीन, ये एल्काइन और ये एल्कीन। अब बचा एल्केन्स, जस्ट डबल से टू ज्यादा, डबल करो उसको पास टू प्लस करो। सी, सिर्फ सी लिखा है, इसका मतलब कितना कार्बन एटम? वन। अब वन का डबल कितना हुआ बच्चों? वन का डबल हुआ टू। कितना हुआ? टू। तो कार्बन एटम वन है तो डबल कितना हुआ? टू। अब टू में टू प्लस करो, टू में कितना प्लस कर? टू, तो कितना हो गया? फोर आ गया। तो कार्बन एटम से हाइड्रोजन को डबल करके टू प्लस करते हैं तो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन। लाइक दिस, कार्बन एटम कितने हैं? थ्री। थ्री का डबल करिए कितना होता है? सिक्स। थ्री का डबल सिक्स होता है, तो थ्री का डबल सिक्स कर किया आपने, फिर टू प्लस किया, सिक्स में टू प्लस करो कितना हो गया? एट। तो C3H8 कितना हो गया? C3H8। जस्ट डबल करने के बाद टू प्लस करेंगे तो ये आपका क्या आ गया? सैचुरेटेड यानी एल्केन्स। कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल से टू ज्यादा है तो ये क्या हो गया आपका? जस्ट आपका कार्बन से एटम से डबल किया, वन का डबल टू आया, टू प्लस किया फोर हो गया, तो CH4। थ्री किया, थ्री का डबल सिक्स किया, थ्री का डबल सिक्स हो गया और टू प्लस किया तो एट हो गया, तो C3H8। तो जब डबल करने से हाइड्रोजन एटम टू प्लस हो तो वो एल्केन्स होते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान हम करते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल हो तो ये एल्कीन, जैसे C5H10, C6H12 कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम कितने हैं? डबल है तो ये एल्कीन। यहां अगर कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल से टू ज्यादा है, जस्ट डबल से टू ज्यादा, टू थ्री का डबल सिक्स, टू ज्यादा एट, तो एल्केन। वन का डबल टू, टू में टू प्लस करो फोर, तो ये एल्केन। और जस्ट डबल से टू माइनस है, लेस है, तो उसमें टू एल्काइन होता है। टू का डबल कितना होगा? फोर। फोर में टू माइनस कर दो
टू, थ्री का कितना सिक्स, सिक्स में टू माइनस कर दो फोर। तो इस टाइप से आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन है हम सैचुरेटेड में कहें या अनसैचुरेटेड में कहें, एल्केस में कहें, एल्किन्स में कहें या एल्काइन्स में कहें, तो हम इजीली उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन एल्केन है, कौन एल्किन है और कौन एल्काइन है। जब आपको ये पता चल जाएगा ये एल्केन है, ये एल्किन है और ये एल्काइन है, तो एल्केन का जो आपका सफिक्स होगा एन, एल्किन में इन और एल्काइन में आइन, ये हम जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे बनाएंगे तब तो उसमें ये ऐड करेंगे सफिक्स के फॉर्म में। क्लियर? अभी अब आगे देखिए, अब मैंने अभी आपको एल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइन्स के बारे में बताया। अब मैं आपको, क्योंकि वो किसके फॉर्म में यूज होंगे, सफिक्स के फॉर्म में, मैंने आपको बताया था ना प्रीफिक्स और सफिक्स बनाकर क्या बनेगा आपका आईयूपीएसी नेम बनेंगे। तो सफिक्स तो मैं बता दिए, एन, इन और आई, कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूं। और जब मैं आईयूपीएसी नेम बताऊंगा तो आईयूपीएसी नेम में कैसे सेट होंगे मैं सब आपको अच्छे से बताऊंगा। अब मैं प्रीफिक्स की बात करता हूं कि प्रीफिक्स कैसे हम लोग उसमें ऐड करेंगे। देखिए, कार्बन एटम अगर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, टेन है। अगर कार्बन एटम सी सिक्स सेवन एट नाइन टेन है, जांच देखेंगे, याद करने तरीके बताएंगे हम आपको। अगर किसी कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो उसमें हम मीथ लिखेंगे, मैथ, एम ई टी एच, हम मीथ भी बोलते हैं इसको, मैथ भी बोलते हैं, तो मैथ। सी टू होगा, कार्बन एटम दो होंगे तो ईथ, मीथ ईथ। कार्बन तीन होंगे तो प्रॉप, अगर कार्बन फोर होंगे तो ब्यूट, कार्बन फाइव होंगे तो पेंट, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट। क्या मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, कोई इस बच्चे को कोई मैथ बोलते हैं, कोई बीथ बोलते हैं, लेकिन एम ई टी एच, मीथ ई टी एच, ईथ प्रॉप पी आर ओ पी, ब्यूट ब्यूटी, पेंट पी एन टी, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट। अगर काउंट सिक्स होंगे तो हैग्स, सेवन होंगे तो है, आठ होंगे तो ऑक्ट, कार्बन नाइन होंगे तो नॉन और टेन होंगे तो डेक। क्लियर? कार्बन एटम की नंबर पर डिपेंड करेंगे कि हम लोग प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे। कार्बन एटम अगर मैथ एक होगा तो मैथ लिखेंगे, टू होगा तो ईथ लिखेंगे आगे, क्योंकि तो प्रीफिक्स में यूज होंगे, ये किस में यूज होंगे, प्रीफिक्स में, तो मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैक्स हैप्ट ऑक्ट नॉट डेक, ये हमारे कार्बन एटम पर डिपेंड करेंगे। सपोज करो कार्बन एटम थ्री शो कर रहा है, उसमें सी थ्री दिखाई दे रहा है एच एच टाइप से, तो कार्बन थ्री है तो क्या लिखेंगे प्रॉप, क्या लिखेंगे प्रॉप। तो इस टाइप से हम सी फाइव है तो फाइव कार्बन है तो कितने लिखेंगे पेंट। क्लियर? सी सिक्स है तो कार्बन नोट करते हैं सिक्स तो हेक्स, क्या लिखेंगे हेक्स। तो हम लोग कार्बन एटम के नंबर को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें अच्छे से तैयार करेंगे। तो कार्बन एटम अगर एक होगा तो मेथ, टू होगा तो ईथ, थ्री होगा तो प्रॉप, फोर होंगे तो ब्यूट, फाइव होगा तो पेंट, हेक्स होगा तो सिक्स होंगे तो हेक्स, सेवन होगा तो हेप्ट, एट होगा ऑक्ट, नाइन होगा तो नॉन और डेन हुआ तो डेन। तो ये मैंने आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, सफिक्स के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, ये हम दोनों को अच्छे से तैयार करना। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीफिक्स और सफिक्स मिलाकर आईयूपीएसी नेम
कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हम लोग इतने बड़े जो हमने सुने थे सिर्फ नाइन्थ में, बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम आखिरकार होते क्या है जी, हम सीखेंगे, वो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगली वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इन सब में आईपीएससी नेम का ही पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा। क्लियर, दैट्स इट।